आप भी आइए, एक जरूर आइए। नमस्कार दोस्तों, SMTC इंस्टीट्यूट से कौन सर? दोस्तों आज हमारे पास एक साथ में तीन स्टूडेंट हैं और ये तीनों स्टूडेंट हैं वो एक जगह से नहीं, ये सब अलग अलग जगह से हैं, लेकिन इन तीनों को एक साथ में हम इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि ये तीनों एक रूम पार्टनर थे। तो देखिए यहाँ पे SMTC इंस्टीट्यूट में ये यहाँ पे तीनों जो है वो कौन कौन सी कोर्सेज कम्प्लीट किए हैं और आज इनको सर्टिफिकेट मिल रहा है और ये कहाँ से आए थे और एक रूम में कैसे इन लोग मिल गए, क्योंकि आप लोगों के पास एक कंफ्यूजन होता है कि जब हम क्लास करने के लिए जाएंगे ना तो वहां पे कौन हमारे साथ में रहेगा, रूम पार्टनर कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा, तो ये सारे चीज इधर से आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आप बताएंगे जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम फैजान है। फैजान, आप किधर से हो? फैजान दुमका, झारखंड से। दुमका से आप इधर किस चीज का क्लासेस किए हैं? हम यहाँ मोबाइल ट्रेनिंग का क्लास किए, मोबाइल रिपेयर का क्लासेस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों कंप्लीटेड हो गया जी। आप चीजों को सीख के आज आपको सर्टिफिकेट मिल रहा था, आज आपको घर जाने वाले हो, है ना जी। चलो ठीक है, तो आप इधर हम आपको रूम अवेलेबल कराए, किसी तरह का दिक्कत हुआ क्या? नहीं, कोई दिक्कत। आपका रूम पार्टनर जो है वो ये तीनों, आप तीन जन रूम में थे एक साथ में? हाँ, लगता ही नहीं कि हम लोग पार्टनर, लगता भाई है। अच्छा चलो भाई है। हाँ। हम सुनते ना इन लोगों से, इन लोग कहाँ कहाँ से हैं? हाँ। आप कहाँ से बताएं? हम दुमका। आप दुमका से हैं? अपना नाम बताएंगे। सर मेरा नाम नूर आलम है। ओके, आप किधर से हो? गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से। ये दुमका से आप गोड्डा से हो जी सर? आप इसको जानते थे क्या? नहीं जानते थे सर, ऐसा अभी लग रहा है कि दोनों पिछड़े हुए भाई मिले हैं सर। बहुत अच्छा लगा। पिछड़े हुए भाई मिले सर। आप किसी का क्लास किए? सर मोबाइल का ट्रेनिंग के लिए आए। मोबाइल का ट्रेनिंग करने के लिए आए थे। इससे पहले आप दुकान चलाते थे? जी सर। मेरा दुकान अपडेट होने के लिए आएंगे, कुछ नए चीजों जो आया उसको हमको सीखना है ना। यस ठीक है। आप लोग दोनों रूम में रहे? इधर खड़े ये भी तो रूम में थे ना जी सर। आपका नाम क्या जी? मेरा नाम मोहम्मद शुक्र अंसारी है। आप किधर से हो? मैं जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट से। आप जामताड़ा से? ये जामताड़ा से आप गोड्डा डिस्ट्रिक्ट? गोड्डा से आप? देखो इधर देख सकते हो दोस्तों, ये जामताड़ा के रहने वाले हैं, ये दुमका, गोड्डा, गोड्डा के हैं और ये दुमका के हैं। तीनों जो है ना, तीनों डिफरेंट डिफरेंट जगह से हैं। चलो आप लोग तीन, तो तीनों आप लोग अलग जगह से हो, आप लोग कोई किसी को जानते थे क्या? अच्छा एक क्वेश्चन है, यहाँ आने से पहले एक डाउट होगा आप लोग के अंदर कि जाएंगे तो किसके साथ रहेंगे, कैसे रहेंगे, रूम कैसा होगा, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? जाने से पहले ये सोचते थे कि हम वहाँ जाएंगे तो कैसा वहाँ का माहौल रहेगा। हाँ। ये चीज सोच के भी कभी कभी नहीं आने का मन करता, लेकिन यहाँ आए ना सर। हाँ। पहले तो दो तीन दिन हमको थोड़ा अजीब लगा, ठीक है, उसके बाद जब पार्टनर अच्छे से, मतलब हम लोग पार्टनर से घुल मिल गए, काम अच्छा एक साथ करने लगा, तो उसके बाद तो मजा आने लगा सर काम करने में। चलिए दो तीन दिन थोड़ा लगता है, क्या है कि कभी देखिए अगर कोई भी आदमी अगर कहीं बाहर जाता है ना अपने एरिया से तो उसको थोड़ा लगता है अजीब चीज, लेकिन जब घुल मिल जाता है तो अच्छा लगने लगता है। ठीक है, आप रियल चीज बताओ कि आप आए थे तो उसमें कैसा लग रहा था? हमको तो पहले नर्वस लग रहा था थोड़ा, कौन रहेगा, किसके साथ रहेंगे, कहाँ रहेंगे, अकेले रह पाएंगे कि नहीं। फिर जब शौकत भैया से मिले तो बहुत अच्छा लगा। चलो दोस्तों एक चीज यूनिक चीज है, ये हमारे पास एडमिशन के लिए आए, ये हमारे इंस्टीट्यूट बैठे थे तब तक ये आ गए, है ना जी। चलिए आपको इधर आए तो आपको भी ये डाउट होगा कुछ? नहीं डाउट तो उतना नहीं लग रहा था, क्योंकि आना जाना करते रहते हैं, धनबाद आते जाते रहते हैं ना। चलिए ठीक है, वैसा कुछ फील नहीं हो रहा था। आप लोग रूम में एक साथ में रहे तो कुछ अच्छाई कुछ बुराई तो बताओ, कुछ अच्छाई कुछ बुराई बताओ। बुराई तो कुछ नहीं, अच्छाई सब अच्छाई है। आप लोग जो ना रूम में भी जैसे यहाँ पे पॉजिटिव रहते हैं ना सर, रूम में भी हम लोग खाली पॉजिटिव बात करते थे, खाली इसी के बारे में चर्चा करते थे। वहाँ जैसे यहाँ पे ये काम किया उसके बाद वहाँ रूम पे भी प्रैक्टिकल के बारे में, मतलब थ्योरी वो सब पढ़ते थे, मतलब आपस में ग्रुपिंग करते थे जी सर, और इसके बारे में सोचते थे। देखो सिंपल सा चीज है, माइंड है ना एक CPU है जी। CPU को यदि हम आपको यदि हम बोलेंगे ना कि नूर के बारे में पूरा गलत चीज सोचो तो मेरा दिमाग हजार चीज गलत ला देगा, और यदि हम दिमाग को बोलेंगे इसके बारे में अच्छा ही सोचना है तो इसके बारे में सिर्फ हमको अच्छा ही मिलेगा, है ना। तो आप लोग रूम पार्टनर थे तीनों, है ना, तीनों अलग अलग जगह से थे, तो ऐसा कभी तो फील नहीं ना हुआ कि अलग अलग जगह से हैं तो किसी अलग तरीके का लग रहा? नहीं सर, नहीं एकदम अपना। आप लोग आज सर्टिफिकेट ले रहे हो, घर चले जाओगे तो कैसा लग रहा है? अलग हो जाओगे, थोड़ा सा कैसा फील हो रहा है? लग रहा है सर, लेकिन हम लोग जो ना हमेशा जो है ना ऐसा लगता है कि हमेशा लाइफ में कनेक्ट रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, है ना जी सर। हम लोग कोई दिक्कत होगा हम लोग एक दूसरे से हेल्प मांगेंगे जरूरी। देखो ये सब फील्ड ही ऐसा है ना, सपोर्ट करने का फील्ड है। इसको कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप हेल्प कर दो, आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इससे हेल्प ले लो, ये चीज ही है घुल मिल के रहने का, है ना। तो चलो आज आप लोग, आप किसका क्लास किया बताए? नहीं एसी फ्रिज का किया है ना दोस्तों, ये जो है थे एसी फ्रिज का ट्रेनिंग किया हमारे पास कम्प्लीट,
और ये जो दोनों है मोबाइल रिपेयरिंग के क्लासेस किए, ये तीनों जो वो एक रूम में रहते थे और कैसे रहे नहीं रहे, कैसे दोस्ती हो गया नहीं हो गया, ये सारे चीज आप लोगों को बता दिए। तो सिंपल सा चीज, जब एक दूसरे से बिछड़ता थोड़ा सा तकलीफ महसूस होता है ना। चलो तो आप लोग आज जाने वाले हो, कुछ बताने वाले हो क्या इंस्टीट्यूट के बारे में? हम नए स्टूडेंट से यही कहना चाहेंगे, अगर आप लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो एक बार जरूर यहाँ पे विजिट कीजिए, एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में विजिट कीजिए, आइए देखिए, डेमो क्लासेस लीजिए। यहाँ आने के बाद आपको पता चलेगा कि हमको लाइफ में क्या करना है नहीं करना है। चलिए ठीक है, आपका कुछ फीडबैक जी? यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट आ सकता है बिना, जैसे कि एक सेकंड, ये तो पहले से काम करते थे, आप नए थे है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुराने स्टूडेंट ही काम सीख सकते हैं, आप नए हो, आप अपने बारे में बताओ। हम तो फ्रेशर है, कभी पहले हम काम कभी नहीं किए, यहाँ आए तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला जी। अब तो हम रिपेयर आराम से कर लेंगे, आप रिपेयर आराम से कर लेंगे, और दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी आएगा तो इधर कॉल करना है, व्हाट्सएप से हेल्प लेना है, क्योंकि ये टेक्निकल क्षेत्र है, इसमें कुछ चीजें फॉल्ट आती रहता है ना, तो क्या होता है ना दिमाग में रहने के बाद भी उसमें तुरंत नहीं यूज होता है, तुरंत याद नहीं आता है, तो आपको हेल्प लेना, इधर कॉल करना, व्हाट्सएप करना, सपोर्ट लेना है ना, कोशिश करना है कॉल करने के लिए कि 6 बजे के बाद कॉल करें शाम को, क्योंकि हमारा भी दिन भर क्लासेस चलता है, आप लोग तो सब देखे हैं है ना। चलो यदि अर्जेंट रहा तो कॉल कर सकते हैं, नहीं तो लगे कि समय है तो आप समय पे कॉल करेंगे है ना। चलिए ठीक है सर, आपके लिए हम जो है छोटा सा गिफ्ट लेकर आए सर। क्या गिफ्ट लेकर आए सर? कुछ भी हो सकता है सर, गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, मतलब क्या गिफ्ट हो सकता है वो मैं नहीं बता सकता सर। हम भी लाए, आप भी लाए हैं जी सर। चलो ठीक है, आप लोगों का गिफ्ट देखते हैं सर, आपके स्टूडेंट की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट भेज दीजिए सर। ये वाला गिफ्ट हमारे लिए है क्या जी सर? चलिए ठीक है, ये स्पेशल मैंने सर आपके लिए बोतल अच्छी कंपनी का लिया, क्योंकि सर आप पानी बहुत कम पीते हैं सर यहाँ। अच्छा, हम पानी कम पीते हैं क्या? इसीलिए सर मैंने आपके लिए एक अच्छा सा दिया। देखो पानी, देखो पानी कम पीने का बात नहीं, बात क्या है ना, होता क्या ना, जब हमारे पास यहाँ पे 10 स्टूडेंट बैठे रहते हैं ना, तो हम सोचते हैं ना कि जब तक हम पानी पीने के लिए जाएंगे ना, तब तक उन लोगों का समय बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उठ करके नहीं जाते हैं। हम ज्यादातर पानी पीने के लिए तभी जाते हैं जब एक बैच को खत्म करते हैं ना, तो हम पानी पीने के लिए जाते हैं, आप हमारे बैच में देख लोगे। हाँ, क्योंकि मेन चीज है ना कि आप उतने दूर से आते हो ना, तो एक ही मकसद लेके आए हो कि हम कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे, और यदि आपको वो चीज मिले ना ना, तो फिर आपका आया बेकार हो जाएगा। तो सिंपल सा चीज, हम अपने तरफ से पूरी प्रयास करते हैं कि आपको कैसे हर चीजों को बारीकी से समझा सके, आपको दे सके है ना, इसलिए थोड़ा सा हमारी तरफ से ये कमी होता है कि हम सच में पानी ज्यादातर नहीं पी पाते हैं, यही रीजन से, क्योंकि जब हम इतने स्टूडेंट को बैठे हुए देखते हैं ना, तो हमको यहाँ से जाने का इच्छा नहीं करता है ना। चलिए ठीक है, ये आप तो बोतल दे दिए, इधर इसमें क्या डाल दिए जी? उसमें हम क्या देख लेंगे, आपको इसको खोलना है, खोलिए फटाफट, तुरंत अनबॉक्सिंग आपको करना है। नहीं नहीं, अनबॉक्सिंग आपको करना है, ठीक है। देखो गिफ्ट है ना, ये चीज एक गिफ्ट हो गया, चलो ठीक है, लेकिन आपका गिफ्ट हमको तब मिलेगा ना, जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता था ना, बताओगे सर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वो हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, ठीक है जी। तो आपको मेहनत करके काम अच्छा करके देना है। चलो देखते हैं आपका गुप्त गिफ्ट क्या होता है ना। चलिए इसको रख दीजिए इधर, इसको पूरा ओपन कर देना। देखो हमारे लिए क्या है ना, ये कॉफी पीने के लिए है ना, है ना। चलो देखो, ये हमारे स्टूडेंट ने गिफ्ट प्रोवाइड किया है, और ये चलो कॉफी पीने के लिए, चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी, है ना। चलिए स्टार्ट कीजिए, है ना। चलिए, ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट, ये आपकी तरफ से छोटा सा गिफ्ट, इसमें क्या है फैजान? ये कप है, ये कप है क्या? ये कॉफी पीने के लिए है। चलो ठीक है, हम तो कॉफी पीते हुए हम तो कभी देखे आपसे नहीं देखे, तो फिर चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पी सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं क्या? चलो ठीक है, बोतल भी है और कप भी है ना पानी पीने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें क्या है फैजान? चलो ठीक है, ये जो है ना, ये जो है ना पूरे पैकेट को ये हमारी तरफ से आप अनबॉक्सिंग करोगे है ना, फटाफट करो। चलो आप अनबॉक्सिंग करोगे ना, तो हमको ज्यादा खुशी फील होगा, ठीक है। गिफ्ट अनबॉक्सिंग करना पसंद है कि नहीं? हाँ बिल्कुल पसंद, बिल्कुल पसंद है ना। चलो ठीक है, तो ठीक है, और ये रहा इसका टोटल गिफ्ट है ना। चलो ठीक है,
बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है फिर बीच नहीं ठीक है बाबू, फिर बीच बीच में कभी दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी हो तो इधर मिलते रहना है, कॉल करना है, मतलब लाइफ टाइम तक कनेक्ट रहना है। देखो बाबू हमारा एक ही मकसद है, जब हमारा पूरा प्रयास होता है, जब तक आप हमारा हाथ छोड़ोगे नहीं ना तब तक हम आपका हाथ को पकड़े हुए रहेंगे, है ना। सिंपल सा चीज है, हर टेक्नीशियन जितने भी जाते हैं ना तो उसको हेल्प के लिए थोड़ा सा एक आवाज का सपोर्ट होता है, तो हमको कॉल में बोलने के लिए कोई उतना सोचना नहीं होता। ठीक है जब भी प्रॉब्लम होगा कॉल जरूर करना। ठीक है ऐसा होता है बाबू व्हाट्सअप करते हो तो व्हाट्सअप हमेशा देख नहीं पाते, थोड़ा व्हाट्सअप करके ब्रेक नहीं कर देना है, आपको कॉल करना है ना, क्योंकि कॉल करते हो तो उसमें तुरंत क्या होता है लाइव सपोर्ट हो जाता है। ठीक है चलो ठीक है, बीच में कभी समय मिले तो जरूर याद करना है जी, है ना, बाकी कॉल में सभी से कनेक्ट रहेंगे। ठीक है चलो ठीक है।